अपन लोग लड्डू बनाए अलग अलग तरह के, और जे के लाने अपन को पहचाने तो वो मैं आपको बता चलूँ। तो बहनों, लड्डू बनाने के लाने मखाने, बादाम, काजू, गुलकंद, बूरा, ये नारियल का कटा हुआ पीस, ये नारियल का बुरादा, रोज सिरप, चॉकलेट, खसखस, मिल्क पाउडर, सूजी, काली मिर्च पाउडर, घी, हरा रंग खाने वाला, पान का पत्ते चार, और ये चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट हम इसमें ले सकते हैं। तो बहनों, सबसे पहले कढ़ैया को लेंगे और उसको गैस पे रखेंगे, और ये 2 टेबल स्पून घी, देसी घी, बादाम, काजू, इसको हमें हल्का हल्का फ्राई करना है। बादाम को, काजू को हम इकट्ठे इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। घी हम कम डाल सकते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट में घी ऑलरेडी होता है। ये सब ऐसे भूंज लेंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी घी में ये जो 2 बाउल हमने मखाने लिए हैं, इनको पहले साफ़ कर लेंगे और जो काला काला कवर सा इस पर होता है वो हटा देंगे। और अब इसी घी में हमें इनको भी हल्का हल्का भूनना है, और साथ में जो हमने गरी गोला भी लिया था वो भी हम मखानों के साथ ही भून देंगे। अब ठंडे हो गए, इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। ये इस तरीके से हमने दरदरा पीस लिया, ये मखाने का पाउडर मिक्सी में पीस बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे। काली मिर्ची पाउडर आँखों के लिए, रोशनी के लिए बहुत अच्छी हो। अब मैंने डाला है यहाँ पे खसखस, ये 2 टीस्पून खसखस भी मैंने इसमें डाल दिया। अब हमें क्या करना है, ये सब हमने अच्छे से ऐसे इसको मिक्स कर लिया, ये हमने ऐसे 2 भाग करे, जितने भी सामान सामग्री हमने ली उसके 2 भाग कर लिए। तो धागे वाली मिश्री को भी आप पीस सकत और उसको लड्डुओं में डालो। तो अब जो ये दरदरा हमने ड्राई फ्रूट सारे तैयार करे थे, बादाम, काजू, गरी, ये सब हम इसमें मिक्स कर देंगे। हमने घी को थोड़ा सा पिघला लिया, और ये तेज़ गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का निवाया गर्म है, और अब हम ये इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस तरीके से। अब ये देखो, ये अब हमारा बंधने लगा। अब टाइट हाथों से थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से लेंगे। तो ये हो गया हमारा बुंदेली मखाने का लड्डुआ तैयार। तो बहनों, हमने 1 कटोरी सूजी छान के रख ली है, और इसको हमें मिक्सी में डाल के थोड़ा पीसना है। सूजी जैसी भी है, अब ये थोड़ी और महीन हो गई है, इससे लड्डू बांधने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर हम 1 कटोरी सूजी लेंगे तो हमें 1/2 कटोरी चीनी का पाउडर, बूरा, और वैसे अभी मैंने धागे वाली मिश्री जो ली है उसको मैंने उसको पाउडर बना लिया है। तो अगर 1 कटोरी मेरी सूजी थी तो 1/2 कटोरी ये मिश्री का पाउडर इसमें मैंने डाला है, और इसमें हम 1/2 कटोरी घी डालेंगे और फिर इसमें मिक्स करेंगे धीरे धीरे। और इसके अलावा जो भी नट्स हम चाहते हैं वो हमें इसमें डालने हैं। इन नट्स को हम और ज़्यादा बारीक करके भी रख सकते हैं, और ये थोड़े मैंने यहाँ पे दरदरा यूज़ करे हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी हमें डालना है। कढ़ैया को गैस पे रखना है और बिल्कुल सिम गैस करनी है, और ये सारा जो मिक्सचर है ये हम एक साथ कढ़ैया में डाल देंगे। अब हम इसमें इस तरीके से घी डालेंगे। वैसे तो इसमें बांधने के लिए हमें घर का दूध यूज़ करना है, जो थोड़ा सा उबाल के हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हमने अभी ये वाले लड्डू बनाए हैं 4, और अभी हमारा बाकी का पेस्ट, ऐसे ये डो बचा हुआ है, रोज़ सिरप यानी कि रूह अफ़ज़ा ये लिया था, ये थोड़ा सा हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। मैं आपको मैं स्वाद के लाने एक और चीज़ बताती हूँ, इसमें ये गरी का जो बुरादा आता है, गोरे का बुरादा, इसको भी हम थोड़ा सा इसमें ऐसे मिला सकते हैं, इससे थोड़ा सा ये टाइट होके स्टिफ हो जाएगा, बिल्कुल एकदम गोल गोल लड्डू की शेप आ जाएगी। ये देखो आराम से आ जाएगी। ये जो हमने चॉकलेट ली थी इसको फ्रीजर में रख लेंगे और कद्दूकस कर देंगे उसको, और अब उसको इन वाले लड्डुओं पे थोड़ा सा डाल देंगे।
और अब हाथ से इसको बिल्कुल लपेट देंगे। इस नट्स को हम इस गुलूकंद में डाल देंगे और खूब अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये पान के पत्ते हमने मंगाए थे, ये मैंने 4 पत्ते लिए हैं यहाँ पे। इनके डंठल हम पीछे से इस तरीके से निकाल देंगे और इनको ऐसे थोड़ा सा बारीक बारीक काट के ग्राइंडर में डाल देंगे। बहनों वैसे तो हमें इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से मिल्क पाउडर को पानी में मिक्स करके डाल रही हूँ। इसी में थोड़ा धागे वाली मिश्री का पाउडर, और इसमें वैसे हमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करना है तो हम चीनी कम डालेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे चीनी का यानी कि धागे वाली मिश्री का पाउडर यूज़ किया है। ये जो हमने फूड कलर लिया था, 2-3 बूंद या जितना भी हमारा मटेरियल है, इस तरीके से हम इसमें लेंगे और इस मिक्सचर में ऐसे मिला देंगे ऐसे। ये सारी गोलियाँ इस तरीके से बन के तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा डो है इसको थोड़ा ज़्यादा सा लेना है और इसको हम ऐसे फ्लैट कर लेंगे और ऐसे इसमें जगह बना लेंगे इस तरीके से। अब ये वाली जो गोली है ये इसके अंदर रख के और पूरे इस पर कवर कर देंगे। ये देखो, ये गोले का बुरादा है और ये मेरे पास हरे रंग का लड्डू है, ये देखो। अब हम गोले के बुरादे की एक कोटिंग इस लड्डू पे लगा देंगे। तो ये लडुआ अब हम भेज रहे हैं आपके लाने, तो आप खा के बताओ कि ये कैसे लगे आपको। हमने तो बना दिए, अब आपको बताने हैं कि ये आपको स्वाद में कैसे लगे, स्वादिष्ट लगे कि नहीं लगे। तो लीजिए, ये हमने भेज दिए, अब ये जा रहे हैं कोरियर में आपके पास इंदौर आने को। ये शिवाली अग्रवाल मैम का बॉक्स है जो झांसी से आया है, स्पुनेली शेफ। और ये लड्डू के पैकेट्स है, बोलो। 5 अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के लड्डू, डिफरेंट फ्लेवर्स के लड्डू है। सो इस बॉक्स को भी हम फिर से पैक करके अब जजेस के पास भेज रहे हैं, वो आपके लड्डू को टेस्ट करेंगे और उसके मार्क्स आपको देंगे।